We move to the next discussion on the role of NGOs in the inclusive development and how NGOs can bridge the gap between the government and society. Many of the recommendations have already come in. A brief introduction of Uzma ji. She's the founder of ICRA Education Foundation and is engaged in various social, economic, and educational activities for the last two decades. Her work in the field of education and economic upliftment, particularly of Muslim women, in the framework of Sharia has been exemplary. Ek baat jo Dr. Zeenat aapne kahi ki it's not just the students but also their parents. I think Uzma ji is already doing that. When we met you, you said that you are working with the mothers. Am I right? And daughters, so over to you. I had just have a request that we should finish this session by about 1:10. We also have our next session on media, and we have Arfa Khanum Sherwani Sahiba from Delhi, who will talk to us about, you know, start the discussion on media and civil society. So over to you, Uzma ji. Assalamu alaikum, or good afternoon to everybody. मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और सुधीर कुलकर्णी जी और यहाँ की टीम का, जिन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू, जो बर्निंग इशू है इस वक्त, वो माइनॉरिटी इशूज़ और उसमें भी मुस्लिम विमेन इशूज़ जो हैं और इस वक्त बहुत डेंजरस कहना चाहिए पीरियड से गुजर रही हैं. शायद इससे पहले हिस्ट्री में कभी इतना रिस्की मैटर कभी डिस्कस नहीं हुआ होगा जितना अब है. और इसको सेक्टर कमेटी ने भी किया है और एनजीओज भी अच्छी तरह से समझती हैं कि इस वक्त हालात क्या हैं. एनजीओज हिंदुस्तान में उस तरह काम नहीं करती जिस तरह अमेरिका में करती हैं या यूरोप में करती हैं, या उनको वो पोजीशन या वो डिग्निटी हासिल नहीं है हिंदुस्तान में कि जिनकी बेस पर सदर का इंतखाब अमेरिका में या यूरोप में हुआ करता है. तो एनजीओज की जो कहना चाहिए वैल्यू है उसको बढ़ाने में एक तो कोशिश बहुत होनी चाहिए कि उसकी क्रेडिबिलिटी हो, क्योंकि उसके पीछे बहुत पावरफुल, बहुत एक्सपीरियंस्ड, बहुत लर्नड लोग भी होते हैं जो काम कर रहे हैं. लेकिन ये कि जब उनकी से जाके टकराती है पॉलिटिशियन से, तो उस वक्त एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि क्लैश सोशली फेस करना पड़ता है अवाम को, नेशन को. तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो जिन लोगों का मकाम है वो उनको मिले मिसाल. और दूसरी एक बात ये कि जैसे गवर्नमेंट में जो मिनिस्ट्री में जो लोग आते हैं, वो आते तो हैं बहुत नारे लगा के आते हैं कम्युनिटीज़ के लिए और उनके बेनिफिट्स के लिए और उनके रिजर्वेशंस के लिए, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो सिर्फ़ अपने आप को याद रखते हैं, बाकी सबको भूल जाते हैं. तो इसमें हमें ये महसूस होता है कि जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो एक्चुअली इश्यूज से वाकिफ़ ही नहीं होते और वो बिल्कुल रिलेटेड नहीं होते उन मसाइल से. जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री में कोई शख्स आया तो उसका एजुकेशन बैकग्राउंड ही नहीं है. माइनॉरिटी कमीशन में कोई शख्स आया तो उसने कभी कोई ज़िंदगी में काम ही नहीं किया होता है. तो ये जो चीज़ है इसको कौन देखेगा. मेरा ख्याल है कि इसमें एनजीओज को यूनाइटेडली वर्क करने की ज़रूरत है कि हम लोग न सिर्फ एक सिटी में बल्कि नेशनल लेवल पर यूनाइट होकर हम प्रॉब्लम्स एंड इशूज़ को चॉकआउट करें और उसमें ऐसे शख्स का इंतखाब करें कि जो रियली उन चीज़ों से कंसर्न हो. आज मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने दो लोगों को माइनॉरिटी कमीशन पर्सनली मैंने खुद दावत भी दी ऑन बिहाफ ऑफ ऑब्जर्वर कि आप लोग ज़रूर आइए, मगर वो यहाँ नहीं है, उनके यहाँ पे प्लेट्स लगी हुई हैं. मुस्लिम कम्युनिटी में जो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इश्यूज़ लाइक एजुकेशन, उस पर तो बहुत सारे लोग कंसर्न हैं. शायद उसकी वजह एक ये होगी कि ज़्यादातर मर्द लोग जो हैं वो काम के लिए आगे आए औरतों के बजाय. औरतें बहुत कम हैं जो काम के लिए आगे आईं. तो नतीजा ये हुआ कि एजुकेशन पे तो खासा काम नज़र आता है, लेकिन जो इकोनॉमी है ख़ासतौर से मुस्लिम वीमेन इकोनॉमी, उस पर कोई ख़ास वर्किंग नज़र नहीं आती, बहुत कम है. फिर एक आस्पेक्ट इसमें यह है कि एनजीओज जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव रख के काम करती हैं, उन्हें करना भी होता है, क्योंकि अवामी इंटरेस्ट जब भी हम
साथ में शामिल कर सकते हैं जब तक कि उनकी साइकोलॉजी को ना समझें और उनका नो हाउ, जैसे अभी कहा गया कि भाई कोड ऑफ कंडक्ट है इस कम्युनिटी का, बरसों इसमें गुजर गए पिछले 50-60 साल के अंदर, हमने देखा कि चूंकि उनकी साइकोलॉजी को नहीं समझा, उसके मुताबिक प्रपोजल्स नहीं आए, जो गवर्नमेंट शायद नहीं कर सकती अनटिल एंड अनलेस कि हम बीच में ना हों, हम ना बताएं गवर्नमेंट को कि किस तरह से काम करना। मिसाल इसमें मैं दूंगी कि हमने बिहार और ऑल बंगाल कारवा निकाले वीमेन एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट के लिए, वहाँ राबड़ी देवी चेयर कर रही थी, तो उन्होंने बहुत जोश और खरोश में ये बात कही कि मैंने मुस्लिम औरतों के लिए 2000 पान की दुकानें सेंक्शन कर दी। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सी मुस्लिम औरतें होंगी कि जो पान की दुकान पे बैठेंगी। तो ये गैप हमें नज़र आता है। इसी तरह एजुकेशन में जो मिस्टर कपिल सिब्बल ने एक प्रपोज़ल दिया, उसको अगर आप पढ़ें, जिस दिन ये अनाउंस हुआ कि ये 6 दिन बाद सेंक्शन होने वाला है, उसी दिन मैंने राज्यसभा के तमाम मुस्लिम लीडर्स को कॉल किया और उनसे पूछा कि क्या आपने सुना, तो उन्होंने कहा हाँ सुना। तो मैंने कहा कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा एजुकेशन बिल अभी प्रपोज 6 दिन बाद रिलीज़ होने वाला है। तो मैंने कहा कि आपने क्या देखा, तो एकदम आप क्या कह रही हैं। तो मैंने कहा आप देखिए 18 नंबर पॉइंट एंड 19 नंबर पॉइंट। 18 नंबर पॉइंट कहता है कि जो नॉन रजिस्टर्ड इदारे हैं उनको इमिजिएटली क्लोज कर दिया जाए, और 19 नंबर पॉइंट कहता है कि ना बंद करने की सूरत में 1000 रुपये फ़ाइन है। हमारा सारा निज़ाम जो है 75% निज़ाम जो है इंडिपेंडेंट चल रहा है। हमें अगर छोटे छोटे मकतब और छोटे छोटे मदरसे उसके थ्रू ये अपना उर्दू या दीनियात या उसके थ्रू कम अज़ कम उन्हें इंसान हैं वो ये पहचान कराई जा रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत सारे हमने बिज़ इलाकों के दौरे किए बिहार में, बंगाल में, डे एंड नाइट हम लोग ट्रैवल करते हैं 45 लेडीज़ एक बस के अंदर। 20 दिन के अंदर हम ये फाइंड आउट करते हैं कि 1.5 लाख औरतें हमारे पास आ रही हैं और वो प्रॉब्लम्स हैं। किसी किसी जगह प्राइमरी नहीं, टेक्निकल नहीं, सिलाई का सेंटर नहीं, कुछ भी नहीं, कपड़े भी नहीं बदन पे उनके, पूरे आधे कपड़े पहने बैठे हैं। तो इस 21वीं सेंचुरी में अगर ये कंडीशन हो तो हमको सोचना चाहिए कि वाई वी आर सेइंग दैट इंडिया इज़ शाइनिंग। एक और बात जो मैं यहाँ पे कहूँगी कि जितने भी मुस्लिम इलाके हैं, मुस्लिम स्लम एरियाज़ हैं, उसमें जो रह रहे हैं लोग वो इतनी गंदगी और इस कदर अनहाइजेनिक सिचुएशंस में रह रहे हैं। सारे डंपिंग ग्राउंड्स आपको मुस्लिम एरिया में ही मिलेंगे और वहाँ सांप और बिच्छू पैदा हो रहे हैं। हर महीने एक बच्चे की मरने की खबर आती है। लेडीज़ टॉयलेट्स नहीं जा सकती, वहाँ है ही नहीं टॉयलेट्स। तो हम कॉरपोरेटर्स से मिले, उनसे बात की कि भाई आप कोई काम क्यों नहीं करते हैं। बल्कि उन्होंने हमसे कहा कि आप लोगों को क्या ज़रूरत है ये सब काम करने की। तो हमने कहा इसलिए कि आप नहीं कर रहे हैं। तो सिचुएशन जो है वो बहुत अलार्मिंग है कि एजुकेशन नहीं, वहाँ कोई दीनी तालीम का भी सोर्स नहीं स्लम एरियाज़ में, और क्या कहते हैं इकॉनमी तो फिर और वो है, रिस्की है कि कई एरियाज़ में जहाँ हम गए तो वहाँ हमने देखा कि कोई ना तो काम आता है क्योंकि माइग्रेंट्स की सोसाइटी है, कोई यूपी से हैं, बिहार से हैं, इधर से हैं, उधर से हैं, वो एक जगह कोई यूनिटी भी नहीं उनकी हो पा रही है, कोई एक किनी क्लबिंग सिचुएशन भी नहीं हो पा रही। हम भी जाके कुछ काम करना चाहते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हम कहाँ उनको एक साथ एक जगह करें। दूसरी बात जो है वो ये कि जो एनजीओस काम कर रही हैं वीमेन एम्पावरमेंट के लिए, हम जहाँ पहले हमें सपोर्ट मिलता था कॉरपोरेट सेक्टर से, वो मुश्किल यूँ हो गया कि कॉरपोरेट्स ने अपनी अपनी एनजीओस बना ली हैं, उन्होंने पूरे पूरे विलेजेस बनाए हुए हैं और वो लोग अपना सारा पैसा वहाँ पे खर्च करते हैं क्योंकि उनका टैक्स बच जाता है, तो वो हमें सपोर्ट क्यों करेंगे। गवर्नमेंट की जहाँ तक स्कीम्स की बात है, यहाँ मिसेस सैयद बैठी हुई हैं, तो मैं बताऊंगी कि पिछले साल एक अनाउंसमेंट हुआ, सहारा उर्दू पेपर में फुल पेज का एक एडवर्टाइजमेंट था कि सिर्फ 10 दिन के अंदर बोरवेल, सड़क बनाने के और हाइजीन के जितने प्रोजेक्ट्स हों वो जल्द से जल्द आइए, यानी पैसा बच गया है वो जल्द से जल्द पास होना है। तो मेरे पास प्रोजेक्ट रेडी था बोरवेल का, अंबुजवाड़ी का एक पूरा इलाका स्लम एरिया हमने अडॉप्ट किया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन से। मैंने इमीडिएटली कॉल किया तो उन्होंने मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो उन्होंने कहा कि किसने अनाउंस किया है। तो मैंने कहा आपके नाम से अनाउंस हुआ है।
तो उन्होंने कहा कि सारे मिनिस्टरों के फ़ोटो लगे हुए हैं और स्कीमें पूरा फुल पेज का इश्तहार, उन्हें पता ही नहीं। पता चला कि ये लोग जो हैं ये इश्तहार दे के और एक अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। बाद में जो लोग आए, एप्लीकेशंस तो आ गई उनके पास, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बिल तो मौलाना आज़ाद के पास आ जाएगा लेकिन स्कीमें कोई पास नहीं होने वाली। और मैं पर्सनली गवाह हूँ इस बात की कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने लेडीज़ के ख़ुद डिज़ाइन का साथ में बनवाए उनको, और साथ में उनको पूरा बजटिंग की और सब किया और उनको भेजा, लेकिन उनको जितना प्रोजेक्ट था जितने का हमने सारी सिक्योरिटीज़ के साथ उनके जो टैक्स पेयर हैं और सब चीज़ें सब पूरा अरेंजमेंट करने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि जब वो जाता है उसके बाद आधा मिलता है, आधा नेक्स्ट ईयर मिलने की उम्मीद है, और नेक्स्ट ईयर फिर सीट पे वो सब साफ होता ही नहीं है। तो एक ये बात। तीसरी बात जो है कि इसको भी मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन को माविन के थ्रू कर दिया गया। अब हमें दो जगह डील करना पड़ता है। एक तो मसला ये है कि जो BPL सर्टिफिकेट्स वगैरह जो कुछ चाहिए, टैक्स पेयर चाहिए, कहाँ से लाए, उसके अपने झोपड़ा भी उसके अपने नाम पे नहीं है, उसे गरीब आदमी को टैक्स कौन दे, टैक्स पेयर कौन उसके लिए यानी खड़ा होगा कि भाई मैं तुम्हारी गारंटी लेता हूँ, वो कौन आएगा, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो प्रैक्टिकल जैसे अभी बात हुई है कि प्रैक्टिकलिटीज़ इतनी वो कर दी हैं, मुश्किल कर दी हैं कि वो आसान नहीं रही लोगों के लिए अवेल करना। और माविन के थ्रू अगर जाएंगे तो वहाँ पर भी ज़ाहिर है कि एक बिल्कुल नया चैप्टर ओपन होता है। ये भी एक चीज़ सामने आई कि मौलाना आज़ाद का एक सबर्ब्स के लिए जो एक ऑफिस है वो वहाँ है अपना थाना में, वहाँ पे एक पर्दा पड़ा हुआ है और अंदर से कोई कहता है कि भाई आप 1,000 रुपया दीजिए, जो फ्री फॉर्म है उसके लिए 1,000 रुपया, उसका फेस कोई नहीं देखता है वो अंदर से। ऐसी भी चीज़ें हुई हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ, ये मैंने ख़बर की है मौलाना आज़ाद को कि 1,200 रुपये एक एक लेडी से गोवंडी में कलेक्ट किए गए, और ये कहा गया किसी लेडी ने, और उस लेडी को जानते हैं, मगर अंदर से किसी ने ये बताया कि वो लेडी जो है वो उसका कट है उन लोगों के साथ। तो अब ये जो चीज़ें हैं इसको कैसे कौन संभालेगा। तीसरी बात कि जो बड़ी बड़ी पोजिशंस पे लोग हैं वो अपने फ़ोटो छपवा के पूरे एरियाज़ में, मुस्लिम एरियाज़ में इसको एक चेक दे रहे हैं, उसको कहना चाहिए कि उसके सर पे हाथ रख रहे हैं गरीब बच्ची के, वो फ़ोटो छप रहे हैं, लेकिन आप कभी भी फ़ोन करना चाहें तो फ़ोन पे अवेलेबल नहीं है। तो ये हमारी परेशानियां हैं। हमने इन सब चीज़ों को देख के, मैं 20 साल से तकरीबन वीमेन इकोनॉमी पे काम कर रही हूँ, तो मुझे एक आइडिया ये हुआ कि एक तो ये कि मुस्लिम औरत अपने घर से उसका निकलना बहुत मुश्किल है। नंबर एक ये कि वो प्रेफरेबली वो चाहती है कि अपने बच्चों को और हस्बैंड को उनको देखें। दूसरा, उसको परमिशन भी अक्सर नहीं है। तीसरी बात जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि जब वो हमारे यहाँ आती हैं, हमारे पास कई हज़ार लेडीज़ हमसे अटैच हैं, लेकिन जब हमारे पास आती हैं तो हमें उनके चार्जेस आने जाने के भी देने पड़ते हैं, तो वो एक NGO के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन होता है कि हम कैसे हेल्प करें। तो हमने जो सिस्टम डेवलप किया उसमें हमने एग्जिस्टिंग NGOs जो जिस एरिया में हैं उनको कांटेक्ट करके वहाँ पर एक एक कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया कि वो उन लोगों से, उन लेडीज़ से कनेक्ट हों, और फिर जो लेडीज़ को जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट आती है वो बनाएं, उसको मॉडर्नाइज़ किया ताकि वो अच्छी चीज़ें बना सकें जो मार्केट के लिए हों। फिर ये करते करते हम कर्नाटका, पूना और दूसरी स्टेट्स दिल्ली, अलीगढ़, इसको नेशनल लेवल पर अब हमने शुरू किया। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो आईवा वो सेवा की तरह नहीं काम कर रही है। सेवा के अपना एक आध प्रोडक्ट है कि वो लखनऊ चिकन में डील कर रहे हैं, लेकिन हमने उनके लिए एक और कंफर्टेबल जोन बनाया कि वो जो आता है उन्हें वो बनाएं। उसमें हमारा स्लोगन है कि व्हाट टू मेक, वेयर टू सेल, दीज आर ऑल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब हम इसको नेशनल लेवल पर ये कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं जो एग्जीबिशंस के थ्रू और सप्लाइंग एंड ऑल। और अब अगला जो स्टेप है वो साउथ ईस्ट एशिया लेवल पर है, जिसमें हमारा स्टेप हुआ, हमने ओमान वीमेन एसोसिएशन के साथ कोलैबोरेट किया और वो लोग बहुत शौक़ से इंडियन प्रोडक्ट को वेलकम करने के लिए तैयार हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे हम यानी दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। प्रोजेक्ट्स में हमारे पास एक पूरा कॉटेज इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट है
जिसमें हम ये चाहते हैं कि ये सारी आर्ट एंड क्राफ्ट जिनको लोग जो हैं वो बनवा के इनको एक्सप्लॉइट करते हैं लेडीज़ को, और वो यानी 20-30 रुपीस पर डे देकर उनको हमेशा के लिए लेबर बनाए रखते हैं। तो हमने मिडलमैन हटा दिया, ये सारी डीलिंग जो है लेडीज़ टू लेडीज़ डायरेक्ट हो रही है, और हम ये चाहते हैं कि ये नेटवर्क एक एस्टैब्लिश हो। इसमें मुस्लिम ही नहीं, लेडीज़ सब तरह की हैं, और हम ये चाहते हैं कि इसके थ्रू इसमें जो है एक ट्राइंगल की ज़रूरत है कि एक मीडिया, कॉरपोरेट एंड एनजीओस शुड वर्क यूनाइटेडली, और उसमें हमें लगता है कि इंशाल्लाह कुछ अच्छी तब्दीली आने के इम्कान हैं। थैंक यू। So the question is, how can NGOs bridge the gap between the government, the religious groups, and Muslim women? There are a few people who want to make some comments. Yeah. मेरा नाम सुरैया है और भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन से जुड़ी हुई हूँ मैं। हम लोगों ने बस्ती में बचत गण बनाए थे माविम से जुड़ के। हम लोन के लिए हम लोगों ने 2 साल पहले फाइल जमा किया था, लेकिन अब तक का हम लोगों का लोन का कुछ नहीं हुआ है। मौलाना आज़ाद में 3 साल हो गया, अभी तक का कुछ नहीं। और बोलते हैं कि ना, जैसे हर एक का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए महिलाओं का, तो इनकम सर्टिफिकेट कैसा बनेगा जब इनकम ही नहीं है? अगर लोन मिलता है तो इनकम शुरू कर सकते, तो इसलिए वो लोन हमारा पास नहीं हुआ अभी तक। तो मैं चाहती हूँ कि अगर ये बात हमारी गवर्नमेंट तक पहुँचे कि इतनी आसानी हो लोन में कि औरतें अपने पैरों पे खड़े होकर कुछ रोज़गार शुरू कर सकें। और माविम से हमें कोई ट्रेनिंग नहीं मिलता है। 2008 में 10,000 का सिर्फ लोन मिला था हमको चेक से, और हम लोगों से उन लोगों ने कैश में लिया था। तो ये समझ में नहीं आया कि चेक में उन्होंने दिया था और कैश में लिया था हमसे, तो फिर बचत गट का फ़ायदा क्या है हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कि हम लोगों ने कुछ फाइल वहाँ पर जमा किए हैं, उसको 3 साल हो रहे हैं वो फाइल जमा करके, जिसमें एक फाइल पर कुछ 25,000 उसका लोन है, ये मिलेगा आपको 2.5 लाख ऐसा कुछ है, 2.5 लाख तो ये मिलेगा आपको। लेकिन वो आज तक हमारी वो चारों फाइल वहीं जमा है, और बेचारे गफ्फार शेख भी अल्लाह को प्यारे हो गए, और ये गफ्फार शेख ने हमारे साथ में बैठकर कितने बार डील किए कि अच्छा आपकी फ़ाइल निकालो। हाँ, आप लोगों आप बोल रहे थे जब मैं बता रही थी आपको कि अभी ये मार्च में हम लोगों ने उस्मानाबाद का भी, हमारा वही हाल है कि वहाँ भी इस तरह का जो बचतगढ़ है उसमें भी अभी तक कुछ पैसा पास नहीं हुआ है। सिर्फ बोला जा रहा है कि इनकम सर्टिफिकेट ये निकालो, क्योंकि ये औरतें कहाँ से लाएंगी? ये तो बर्तन घसने जाती है ईंट भट्टी में, महाराष्ट्र में बेचारे उस्मानाबाद में काम करने वाली औरतें। ये हमने प्रिया दत्त के सामने भी बात रखी है कि भाई ये चीज़ें निकालो, ये औरतें कहाँ से लाएगी? बेचारे को घर में खाने को नहीं है, ये फिर लोन क्यों ले रही है? बचत गट जमा क्यों कर रही है? 50 रुपया महीना जमा कर रही है ताकि हमको कुछ उसकी उम्मीद हो, लेकिन ये अभी तक मिला नहीं है हमको। और ये गफ्फार शेख के साथ जब हमारी बात हुई है तो ये 5 मार्च को उनका इंतकाल हो गया, लेकिन उससे पहले हमारे को उन्होंने बोले थे कि हम मार्च में आपकी फ़ाइल पास करके आपको दे देंगे, आपको सेंशन लेटर भी मिल जाएगा। लेकिन क्या हमारा नसीब है कि क्या बताएं कि मौलाना आजाद के नसीब है? खातून अपा, हम आपको बताना चाहते हैं, मेरी कलीग सना और मैं पिछले महीने हम आंध्र प्रदेश गए थे, और वी हैड दी अपॉर्चुनिटी, 2 NGO से हमने मिले, जो खासकर ज़कात फाउंडेशन एंड महिला सनतकार, दे हैव फाउंड अ वे टू गेट मनी फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड फ्रॉम स्कॉलरशिप लोन्स। द NGOs, देर इज़ अ डिले, देर इज़ अ लैग टाइम, गवर्नमेंट से पैसा आने में थोड़ी सी देरी हो जाती है, लेकिन इन NGOs, ज़कात फाउंडेशन, दे प्रोवाइड द मनी इन एडवांस ताकि बच्चों को समय पर एजुकेशन हो जाए, महिलाओं को समय पर लोन्स मिल जाए। ये NGOs अच्छा काम कर रही हैं, और महिला सनतकार ने भी हमसे कहा कि वो हैंडीक्राफ्ट कमिश्नर्स के साथ वो काम करती हैं, काफ़ी 5,000 महिला उनके प्रोग्राम से बेनिफिट ले चुकी हैं, और उनको बैंक से भी लोन मिल रहा है, और हर साल जैसे उनका लोन रिपेमेंट एबिलिटी अच्छा होता जा रहा है, उनकी लोन अमाउंट भी बढ़ती जा रही है। तो यही द पॉइंट इन दिस डिस्कशन इज, हाउ कैन NGOs प्ले दैट क्रिटिकल रोल, बिकॉज इट इज़ अ सेंसिटिव इश्यू, द गवर्नमेंट इज अफ्रेड टू मेक रूल्स, बट विद इन द ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स
how can the NGOs fill that gap? How can they build capacity among the people? अच्छा, आपको लगता है कि IT capability में कोई कुछ कमी है community में, तो क्यों ना कोई NGO इस कमी को पूरा करें? That is the way we any other suggestions? आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में कितने NGOs हैं? आप लोग जानते हैं? कैन यू गिव मी नंबर कितने NGOs हिंदुस्तान में? मैंने सर्वे करवाया, अच्छे NGOs हिंदुस्तान में 1200 से 1500 है, और हर NGO अच्छा काम कर रहे हैं। मैं मुसलमानों से ये कहता हूँ कि हमें जिंदाबाद मुर्दाबाद बोल के कुछ मिलने वाला नहीं। गवर्नमेंट के पैसों पे पलने वाली कौम जिंदा रह सकते लेकिन तरक्की नहीं कर सकती। हमें अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। हमें अगर गवर्नमेंट चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट से कुछ फ़ायदा कर ले, तो उसका एक ही तरीका है कि मजहबी उनवान पे हमने जो बैकवर्डनेस और ये करा है ये सब ख़त्म करना होगा। इसमें एक इकोनॉमी को रखे, हमें जो इकोनॉमी के लिए बैकवर्ड है उन्हें हमें वो सहूलतें जो है जो इकोनॉमी के लिए बैकवर्ड कर देना, अगर वो दिए जाए तो मैं कहता हूँ बहुत सारे मुसलमान और बहुत सारे रियल बैकवर्ड उसका फ़ायदा उठाएंगे। मैंने कहता हूँ कि डॉक्टर पाटनकर बम्बई यूनिवर्सिटी का अगर MBBS जी है तो इज़ नॉट एजुकेशनल बैकवर्ड। अगर वो दिन में अगर 10 or 15,000 कमाता है तो इज़ नॉट इकोनॉमिकली बैकवर्ड। वो अगर नेपन सीरो और वह रहता है, लेकिन आपने देखा है जात पात के धर्म पे जिन लोगों को उन्होंने जो फायदे दे रहे, बाप 50% से डॉक्टर बना लेकिन एक ब्राह्मण 95% से डॉक्टर नहीं बन सकता है। बाप उसका बार बेटा और उसके बाद यह वो एक मुसलमान या कोई और जात के लोग 4 मरतबा अगर वो IPS ब्यूरो के इसमें बैठता है तो उसको 5वां चांस नहीं मिलता है। लेकिन तुमने जिन लोगों को बैकवर्ड बनाया है वो कई सालों साल 50 साल हो ले 20 साल हो और एक तो 10 or 15 अटेम्प्ट में वो पास होने वाला। तो मैं कहता अगर आपको चाहिए इसके लिए हमें कदम उठाना पड़ेगा। हाँ, मजहब इस्लाम में कोई कम्युनिटी का सवाल ही नहीं होता है। हमें एकेडमी को सामने लेके ये बात डालनी होगी, अगर तुमको किसी को बैकवर्ड बनाना है तो यू मेक हिम इकोनॉमिकली बैकवर्ड। नंबर 3, अगर तुम तालीम की बात करते हैं तो आप में से चल लोगों ने साउथ अफ्रीका जाना चाहे, वहाँ सुबह के वक्त हर बच्चा स्कूल जाता है लेकिन शाम के वक्त मदरसा जाना कंपलसरी होता है। मेरे घर में बहुत से डॉक्टर हैं लेकिन वो हिफ्ज़ुल कुरान है क्योंकि वो शाम में वो जाते हैं, बाबा कंपलसरी उनको भेज देते हैं। मेरे घर में कई लोग हैं जो आलिम हैं, जो अच्छे से अच्छे बिजनेसमैन हैं लेकिन शाम में जाते हैं, मदरसा में ज़रूर जाना होता है। आज मैं कहता हमें मदरसे भी बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये मदरसे बंद हो जाएंगे तो हमारे मस्जिद में एक इमाम नहीं मिलेगा या हमारे मस्जिद में एक मौज़िन नहीं मिलेगा। तीसरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, साउथ अफ्रीका के मैंने कहा, अब मैं चाहता हूँ कि हमें अपने पैरों पर किस तरह खड़ा होना चाहिए। आप लोग सब मेरा साथ दोगे तो मैं कहता हूँ कि 5 साल में हमारी काया बदलेगी। सिर्फ 5 साल में कह रहा हूँ, मैं इस कह रहा हूँ। आप खासकर औरतें, हमारे औरतें कमज़ोर हैं इससे हमारे बच्चे कमज़ोर हैं। मैं पूरी कौम का मैं बात कर रहा हूँ। ये मिल्लत 70% सुबह का नाश्ता करती है, जिस नॉट श्योर अपना लंच एंड डिनर। हम क्या बड़ी बड़ी बातें करते हैं सर, हमें सर, कोशिश करना है। हमें सर, हमें जो मौका हमें जो बतलाया गया है अगर हम उसमें अमल करेंगे तो मैं कहता हूँ ये मुल्क ये कौम मांगने वाली नहीं मिलेगी। मैं माफी चाहती हूँ, 1 मिनट में 3 मिनट में इसने बोला तो मैंने इन्होंने कहा था अपने बैतुल माल के लिए क्या कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं आपको 3 मिनट में बताऊंगा मेरा ये, और आप जो चाहे कर दीजिए। और यकीन आएगा कि ये बेवकूफ़ जो बोलता है सच में उसमें कुछ बात है। मैंने आज से 2 साल पहले हिंदुस्तान के सब उलमा को जमा किया, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि 1992 में जब मैंने दोस्त से कहा, उन्होंने कहा उलमा तुमको हराम के मसले में डालेंगे और आप कह के नहीं रहेंगे, तो मैंने चलो इनको करें, इन
उनके अब्बा मुझे मिले, मैंने उनसे कहा मेरे 8 पॉइंट मैं अभी नहीं कहूँगा, सिर्फ 2 पॉइंट कहूँगा। मौलाना ने से कहा मौलाना अगर 5% लोग अगर ज़कात देते हैं तो हम लोग 1 करोड़ रहते, हम 20 करोड़ को मान लें, अगर एवरेज 10,000 आ जाता है तो हमारे पास 10,000 करोड़ आ जाते हैं। मैंने कहा हर 100 रुपये को मौलाना हम 3 हिस्सों में डाले, 50% हमारी इकानमी सुधारने के लिए, 10% हक के लिए, 40% तालीम के लिए, हमें दीनी तालीम के लिए ज़रूरत है, दुनिया तालीम भी है। उन्होंने क्या हक का क्या कहते, मैंने तुम्हारा 60,000 बच्चे जेलों में फंसे हैं, उनका कसूर इसलिए कि उसका नाम मोहम्मद अहमद और ये है, पुलिस मैन ने तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं किया, जाओ उनको जेल में, उनका पैसा नहीं है कि वो कानून लड़ सके। इस मुल्क का कानून आज भी अच्छा है, आपने देखा मोदी और बड़े बड़े लोग कटोरे में खड़े हो गए। ये मुल्क के कानून की हमें कदर करना है, सिर्फ कानून हमें मदद कर सकता है। मैंने कहा कि मैंने एम जे अकबर से बात की, मजीद मेमन से, हमारे जितने भी बड़े बड़े वकील है, रफीक दादा, सब एग्री हो गए यस हमें अवकाफ सेल होना चाहिए। आपने देखा 30 लाख की प्रॉपर्टी पे कोई 70,000 की बिल्डिंग बना के बैठा है, करोड़ की, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है। दिल्ली जाओ तक 60 किलोमीटर पर तुम्हारी प्रॉपर्टी में दूसरे लोग घुसे हुए हैं, आज तुमको मिलेगा नहीं, लेकिन कानून तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी दिलाएगा कि तुम तालीम के लिए, तुम्हारे औरतों की बहबूदी के लिए, तुम्हारे मिल्क की बहबूदी का इस्तेमाल कर सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और दो पॉइंट मुझे करना है, सिर्फ बाद में भी बात करेंगे। सर माफ़ी चाहती हूँ आपको मैंने डिस्टर्ब किया था, लेकिन आपका कहना था कि औरतें कमज़ोर है, औरतें बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन क्या घर के लोग उनको सपोर्ट करते हैं? नहीं सर, ना 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 सर, मैं खुद मैं बहुत सारे घरों में ये हालात हैं, उनको बोलने दीजिए, पढ़े लिखे औरतों को भी बाहर जाने नहीं दिया जाता, जो घर के आदमी के विचारों में फर्क आएगा तब जाके औरतें कुछ कर सकती है। सर मैं नहीं नहीं सर, मैं खुद मुस्लिम कम्युनिटी से हूँ, मैं मराठी की टीचर हूँ, मराठी में पढ़ाती हूँ, मैं खुद पोएट हूँ, मुझे पता है कि मुझे यहाँ तक आने के लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा है, जब हम ये संघर्ष पार करते हैं तब आज ये कुर्सी मिलती है। घरों में से औरतों को सहूलियत नहीं दी जाती, बोलना कथना और करनी में फ़र्क है, हमें हमारे विचारों में फ़र्क करना पड़ेगा। सर उनको बोलने दीजिए प्लीज़, हमें हमारे विचारों में फ़र्क करना पड़ेगा। दूसरी बात, आज वैसा देखे जाए तो मैं साहित्य के क्षेत्र में हूँ, एजुकेशन ये बाद में आता है, बहुत सारे लोगों की बातें मैंने यहाँ पर सुनी है, गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम मुस्लिमों के लिए देता है, लेकिन क्या वो स्कीम नीचे तक आती है? क्या लोगों को पता चलता है क्या स्कीम है? नहीं पता चलती, क्योंकि जिस जबान में हम पढ़ते हैं वो जबान में वो बाहर आती ही नहीं। मैं मराठी से मराठी माध्यम की एक ये हूँ, औरत हूँ, मराठी माध्यम से पढ़ी हुई हूँ, मराठी पेपर पढ़ती हूँ, मराठी पेपर में हमें किसी भी बात की कोई जानकारी नहीं मिलती। महाराष्ट्र में रहते हुए ये बातें हम तक नहीं पहुँचती। हम एजुकेटेड औरतों की ये हालात है, तो जो पढ़ी लिखी औरतें नहीं, उन तक ये बातें कहाँ जाती है? ये बातें औरतों तक जाने दो, औरतों तक ये बातें जाएगी तब जाकर ये सुधार आएगा। और ये सब बात कब जाएगी? जब घर के लोग या जो पढ़े लिखे हैं, जो एनजीओ है, जो ये इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, वो लोग ये बातें औरतों तक पहुँचा सकती हैं, मुझे ऐसा लगता है। माफ़ी चाहती हूँ जो बात मैंने कही। मेरा नाम सुरैया है, मैंने अभी भी बचत घर के बारे में बताई थी। मुझे ये बोलना है कि जैसे अभी इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट जो ऑफिसर होते, जो जैसे वोटर आईडी बनाने वाले या राशन कार्ड बनाने वाले, तो वो लोग ऐसे मुस्लिम जो नाम होते उसको हमेशा गड़बड़ करते हैं, तो उसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। ज़्यादातर जो झोपड़पट्टी में रहते हैं हम लोग, उसमें हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है वो चीज़ों को लेकर। और औरतें तो कमज़ोर नहीं है, क्योंकि हम लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं और कितनी औरतें हमसे जुड़ के काम कर रही है, तो ऐसा औरतों में जितनी ताकत है मुझे लगता है और किसी में नहीं है। और जो हम लोगों को रोका जाता है वो ज़्यादातर वो मर्द होते हैं, जो घर के बड़े होते हैं ना, नहीं जाना है, बाहर निकलना नहीं है। तो अल्लाह ताला उन लोगों को ऐसी अकल देवे या सोच उनकी ऐसी हो जिसमें
वो औरतों की कम से कम इज्जत तो कर सके, तो ज्यादातर हम आगे बढ़ के और काम कर सकते। मिसेस गुलर, गुलर डॉक्टर पाटनकर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर डिस्कोर्स। बट औरतें कमज़ोर नहीं हैं, उनको कमज़ोर बनाया जाता है, यू सी, ऊपर है के, तो ये बात तो कभी डिनाई नहीं हो सकती। और इसके आगे मैं जो बात कहने जा रही हूँ वो ये है, क्योंकि औरतों को आप सामने कर दीजिए, अगर औरतों को आप पावर देंगे, इसके लिए उनको दबाया जाता है, क्योंकि उनके पावर से जो है वो मर डरते हैं मेरे ख्याल से। और ये बात मैं कहने जा रही थी आपसे उज़्मा जी, जो आपने कहा यू सी दिस राइट टू एजुकेशन एक्ट, आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक एंड इम्पॉर्टेंट एक्ट। इट्स कमिंग डाउन फ्रॉम यूनेस्को, बिकॉज यूनेस्को थिंक्स दैट इन टिल द ईयर 2015 एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड शुड बी एजुकेटेड, और उनके सम फैक्ट्स एंड फिगर्स आई हैव कलेक्टेड। अच्छा, लेकिन ये जो 18 और 19 आर्टिकल है, एक्सक्यूज पुट इट ऑफ, 18 और 19 जो आर्टिकल है जिसमें ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं ऑफ रजिस्ट्रेशन, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये जो इदारे रजिस्टर्ड नहीं है वो इसके बाद तक रजिस्टर हो जाए? ये रजिस्टर हो जाए दिस 18 एंड 19 आर्टिकल्स जो है, जो कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल सर्टेन इदारों के लिए, दैट इज बाय द मुस्लिम्स आर स्टैंडिंग अप अगेंस्ट दिस एक्ट, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट एंड आई थिंक दैट मुस्लिम्स मस्ट स्टैंड बाय दिस एक्ट, बिकॉज राइट टू एजुकेशन एक्ट का मतलब ये हुआ कि एवरी चाइल्ड, और इसमें फैसिलिटीज बहुत है, अप टू 8 स्टैंडर्ड देयर आर नो यू नो एग्जामिनेशंस, इसको मैंने थोड़ा बहुत देखा है। और जो ओरिजिनल एक्ट आया था जिसमें अमेंडमेंट्स आए, जो ओरिजिनल आया था दैट वाज इवन अ स्ट्रॉन्गर एक्ट, लेकिन जो अभी आया है उसमें थोड़े अमेंडमेंट्स आए हैं उसके बाद में। लेकिन ये जो बात है रजिस्ट्रेशन की, वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट एंड नॉट स्टॉप मुस्लिम्स फ्रॉम कमिंग इनटू दिस एक्ट, लेकिन क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स जो उनको मिलेंगे दैट यू विल नॉट गेट, दैट्स ऑल आई नीडेड टू से, थैंक यू। आई थिंक मैं एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल चलाती हूँ अभी, एक्चुअली बहुत देर से बोलने की कोशिश कर रही हूँ बट मौका नहीं मिल रहा था। Sorry. और बचपन से घर में नो इट्स एब्सोल्युटली ओके, बिकॉज ये सिखाया गया है कि बड़े जब बोल रहे तो आपको सिर्फ सुनना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं सिर्फ सुन रही थी। लेकिन जब सर ने बोला कि औरतें कमज़ोर है, तो पता नहीं मुझे कुछ मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, क्योंकि मेरी शादी जो है वो 18 साल में हो गई थी, एंड आफ्टरवर्ड्स उनको बोलने दीजिए, आई हैव जस्ट स्ट्रगल्ड माय वे अप एजुकेशन, नाउ आई रन अ स्कूल एंड आई एम विद द RCWS राइट नाउ डूइंग रिसर्च स्टडीज ऑन वुमेन, एंड आई वाज ऑलवेज टोल्ड दैट यू आर नॉट सपोज टू स्टडी बिकॉज व्हाट विल हैपन इज मर्द अगर आपका उतना आपका हस्बैंड अगर उतना नहीं पढ़ा, आप उसके आगे मत पढ़ो, क्योंकि आप पता नहीं वॉइस करोगे, आर्ग्यू करोगे, कुछ तो करोगे, तो नहीं पढ़ना है आपको। सेकेंडली आई फील द इंडियन मेल एंड स्पेशली द मुस्लिम मेल इज़ वेरी वेरी इनसिक्योर, वेरी इनसिक्योर दैट द फीमेल्स विल गो आउट एंड दे स्टडी एंड गॉड नोज व्हाट विल हैपन एंड वॉट एवर। और पता है यहाँ तक ये हुआ है कि एक बार मैं घर से बाहर तब निकली जब मेरे हस्बैंड ने जुम्मा की नमाज में बयान सुन के आके मुझे बोला कि औरत जब तरक्की का सोचती है वहाँ से मर्द की बर्बादी शुरू हो जाती है। I fought my way through life to study and reach this level. I can't talk much more, Thank sir, you, but Mrs. I'm totally against this question because Mrs. Gula, अगर अल्लाह ताला ने हमको इतना ताकतवर बनाया है कि हम एक दूसरी जान को पैदा कर सकते हैं, वो मर्द नहीं कभी सोच सकता कि वो क्या होता है। I am literally shivering telling this. एक जान से दूसरी जान निकलना, वो इतनी ताकतवर है कि वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो एक एहतराम करती है, जो भी करती है अपने कल्चर के दायरे में रह के करना चाहती है, तो आई थिंक द मेल्स शुड सपोर्ट हर बाय ऑल मींस। थैंक यू, रोज थैंक यू बोलना चाहिए मर्दों को। भारतीय गोवंडी मानकुर में विच ऑर्गेनाइजेशन हो चाहिए, विच ऑर्गेनाइजेशन, अपनालय बोल के संस्था काम करती है। मैं बताना चाहती हूँ कि हम जिस कम्युनिटी में काम करते हैं वहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है बताने के लिए, बहुत सारी औरतें बता रही है कि औरतें बाहर नहीं आती है, ये नहीं करती है, लेकिन हम हमारे एरिया में बहुत सक्सेसफुल हुए, हमने कुछ ऐसे मॉडल्स तैयार किए हैं जहाँ पे हमारे यहाँ पे वॉयलेंस बहुत बड़ा इशू था शुरुआत में, औरतों को होने वाले अत्याचार या उनको जो फेस करने वाली तकलीफें थी घरेलू मामलों में, फिर वो शायद आदमी का ना मानना हो या आदमी की ज़बरदस्ती हो, फिर वो सेक्सुअल हो, फिज़िकल हो, मेंटल हो, कोई भी चीज़ में है,
तो हमने पहले उनको एजुकेशन देना शुरू किया, उनको सेंसिटाइज करना शुरू किया, उनके अधिकारों के बारे में बताना शुरू किया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बहुत सारे राइट्स दिए हैं उनके बारे में उनको बहुत डीपली अंदर डालना। मुझे लगता है कि हम सब काम करते हैं लेकिन वो जो अंदर घुसने की या अंदर डालने की जो बात होती है ना, वो बहुत बार कम पड़ती है। और फिर एक बार अंदर, कोई भी जैसे हम बोलते हैं कि हम ताकतवान क्यों है, क्योंकि हम चीज़ बहुत अंदर से करते हैं। औरतें बहुत सारी चीज़ बहुत अंदर से करती है, इसलिए ताकतवान है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि अभी हमारा सपोर्ट उनको नहीं लगता है कोई भी वॉयलेंस वहाँ पे कम्युनिटी में होता है तो। वो खुद मुस्लिम या नॉन मुस्लिम, कोई भी कम्युनिटी में रहने वाली औरतें इकट्ठा आती है, मेजॉरिटी मुस्लिम होती है, और वो फाइट करती है अपने राइट्स के लिए। अगर उनसे फिर वो रेप केस भी हो, बस्ती में होने वाले छोटी बच्चियों पे होने वाला रेप भी हो, लेकिन वो फाइट कर सकती है। मुझे लगता है कि हमें अगर सॉल्यूशन ओरिएंटेड एटीट्यूड रखना है तो हमें ऐसी कम्युनिटी तैयार करनी पड़ेगी, ऐसे लीडर्स तैयार करने पड़ेंगे, ऐसी लोग तैयार करने पड़ेंगे जो वैल्यूज़ को सिर्फ फॉलो नहीं करते हैं लेकिन जीते हैं। गुड। और शायद ये तैयार करने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा कुछ अप्रोच, ऐसा कुछ सॉल्यूशन, ऐसी कुछ स्कीम स्पेशली हम सब लोगों के लिए हो, काम करने के लिए हम एनजीओस तैयार है। जैसे दादा ने बोला कि कुछ भी काम हो हम करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा मकसद ही है लोगों को आगे लेके जाना। एक दिन ऐसा भी आएगा शायद हमारी गरज भी नहीं पड़ेंगे, हम ऐसी दुनिया चाहते हैं, ऐसे पूरे देश चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जिम्मेदारी हम और अच्छी तरीके से कैसे करें। सरकार देती रहेगी, नहीं देंगी तो झगड़ के लेके रहेंगे, लेकिन ऐसे झगड़ालू लोग तैयार करना ये हमारा काम है। फिरोज साहब, आप माइक लेके बात कीजिए। फिरोज साहब, मेरा अपना तजुर्बा 92-93 राइट इंट्रोडक्शन जी, परिचय। मेरा नाम फिरोज अशरफ, मेरा नाम है पाटकर साहब, जरा सुना जाए, आपको सुना क्या है, आप भी सुनिए। दंगों के बाद में मेरा नाम फिरोज अशरफ है और जोगेश्वरी और जुहू गली में मेरा प्राइवेट पर्सनल कोचिंग क्लासेस चलता है। और ये जो कोचिंग क्लास मेरा है पिछले 15 साल से चल रहा है, और अब तक हमने जुहू गली, अगर आपने नाम सुना होगा, बहुत बदनाम गली है जुहू गली, सभी गलियाँ बॉम्बे की बदनाम होती हैं, उसमें एक जुहू गली भी है। तो जुहू गली में अब तक हमने 250-300 लड़कियों को SSC पास कराया था, और कैसे पास कराया, वो कैसे घर से निकली, कैसे पढ़ी, बहुत लंबी दास्तान है उसको बोला जाए। कुछ हमारे दोस्तों यहाँ भी जानते हैं कैसे कैसे करते हैं हम। जब 92-93 राइट्स के बाद में जब हमको जोगेश्वरी रहना पड़ा, मजबूरी रहना पड़ा, आना पड़ा, एक कॉस्मोपोलिटन एरिया मलाड था, वहाँ छोड़ करके जोगेश्वरी भी जब आया हम रहने के लिए, तो वहाँ जब मुस्लिम सोसाइटी को हमने देखा तो बहुत इतना दुख हुआ। सबसे ज़्यादा दुख अपने आप पे हुआ, शर्म महसूस हुई कि मुसलमान सोसाइटी को हम जानते ही नहीं हैं, मुस्लिम सोसाइटी को मुसलमानों के बीच में रह कर ही जाना जा सकता है। हम कभी जावेद साहब से मिले नहीं हैं, बोलना चाहेंगे कि आप जुहू में और ये जुहू में रह करके क्यों रहना चाहते हैं आप जुहू में फ्लैट में, कसो आप जोगेश्वरी रहिए, आप मीरा रोड में रहिए, अगर मुसलमानों के अगर हालात जानना चाहते हैं तो। ऐसे कई लोग, माफ कीजिएगा, एक अलग टॉपिक हो गया ये। तो जब वहाँ रह करके जोगेश्वरी हमने क्या देखा, सबसे जो कमी है और हम क्या कर सकते हैं, हम पहले हम ट्रेड यूनियन में थे, अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं हम, तो चलिए चार बच्चों को पढ़ाएंगे। हमारा वाचमैन था बोला साहब हमारे बेटी जो मैथ्स में फेल हो गई है, अलजबरा में फेल हो गई है, उसको आप पढ़ा दीजिए। ये मेरे लिए चैलेंज था, वाचमैन से शुरू किया हमने तो झाड़ू वाली के बच्चे आ गए। इस तरह होते होते आज के दिन में 400 बच्चे जो है हम कोचिंग क्लास करते हैं, और अभी तक 60-70 लड़के लड़कियाँ जो है हमारे बिल्कुल फर्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स, कोई स्कूल गया नहीं खानदान में, कोई पढ़ा लिखा नहीं, कुछ नहीं, किसके ठेले वाले के बच्चे, काम वाले के लड़कियाँ, वो कब्रिस्तान खोदने कबर खोदने वालों के बच्चे, इस तरह के लोग, कबर खोदने वालों में बड़ा आपको अच्छा लगा कि कबर खोदने वाले की लड़की पढ़ रही है अभी MA भी है, वो MA BEd किया उसने, BA BEd किया, अभी MA कर रही है। हम बहुत खुश हुए साहब कि कबर खोदने वाली लड़की पढ़ रही खानदान में, वाह। और उसके बाद जब पता चला क्या कि वो कम्युनिटी जो है सो शेड्यूल कास्ट की है, तब शेड्यूल कास्ट की, तो हमने कहा वाह फिरोज अशरफ, इसको तो IAS बनाएंगे भैया, IAS बनाएंगे, चल बेटा पढ़ तू। पहला मसला कैसे तैसे करके SSC पास हो गई, और कंबस चली गई पढ़ने के लिए, कहा तो भवंस कॉलेज चली गई। अब उर्दू मीडियम की लड़की चली गई अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने के लिए, सब सर से ऊपर चला गया जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, 11th में फेल हो गई, 11th में फेल हो गई जनाब, तो फिर आगे कैसे पढ़ेगी।
आई अंकल अंकल फिर अबे साले मना किया था मत पढ़ना, भवन से मत जाना, वो उर्दू वाला जो कॉलेज है अपना ये क्या बोलते हैं उसको इस्माइल सूर कॉलेज वहाँ जाना, वहाँ उर्दू मीडियम है वहाँ जाना, यहाँ मत जाना। चलिए साहब भवन कॉलेज में हम गए, वहाँ जाके हमने कहा प्रिंसिपल को साहब उर्दू में इसको लिखने दीजिए। हंसने लगे प्रिंसिपल, कह रहे उर्दू में कैसे लिखे, हाँ क्या आप जानते हैं आप पढ़े लिखे आदमी ऐसे बोलते हैं। हमने कहा साहब ये बच्ची ने हमारे यार पढ़ाना है यार इसको उर्दू नेशनल लैंग्वेज अपना पूरे, नहीं 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 कैसे ये नहीं हम नहीं कर सकते। तो हमारा फिर बैठेगा एक कुर्सी पे आप, आपका काम क्या है भाई। हम फिर हमने कहा हम भी भवन से पढ़े हुए हैं 1965 भवन में, हम भवन के पढ़े हुए हैं, आप ऐसा कैसे कर रहे हैं इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में कर रहे हैं आप उर्दू में नहीं पढ़ सकते। इस लड़की को ये लड़की जो है एग्ज़ाम में उर्दू में लिखेगी, आप इसका पेपर चेक करवाएंगे और ये पास होगी जो भी पास या फेल चेक करवाएंगे, आपको करना पड़ता, नहीं करेंगे आप तो फिर आपसे कोर्ट में मुलाकात होगी। चलिए चलते हो, अरे बैठिए 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 बोला। फिर उसके बाद उर्दू में वो लड़की बैठी, आज वो लड़की वही लड़की जो एम ए कर रही है। जब वो बीए पास की तो बहुत खुशी हुई, अब कहा चलो अभी इसको आईएएस में बैठाएंगे, पता होता कि आपने मालूम है सर्टिफिकेट लाओ। अरे बाप रे बाप, दो जन्म में सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता है, दो जन्म में सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता है। मालूम हुआ कि 40,000 जी माफ कीजिएगा लंबी स्टोरी क्या बोले यहाँ पे क्या क्या जो प्रोसेस उसका है, सर्टिफिकेट मिलता है जाति सर्टिफिकेट, जात का जो सर्टिफिकेट होता है वो नहीं मिल सकता है, वो कास्ट सर्टिफिकेट जी वो नहीं मिल सकता, जी हाँ जी हाँ वो नहीं मिल सकता। और उसके साथ साथ जब हमको पता चला कि ओबीसी जो बेचारे एक ओबीसी के हैं बेचारे हमेशा कॉन्फ्रेंस और ये करते रहते हैं बुलाते हैं हमको, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं मिलता क्या नहीं, वो लंबी दास्तान अभी उसकी है। तो मेरे पास जितनी लड़कियाँ पढ़ती हैं सब के सब जो करीब करीब 60-70 लड़कियों को बीए पास कराया हमने, हम बहुत खुश हुए शुरू में ये सब के सब ऑफिसर बनेंगे, सब के सब जो है यूपीएससी में आईबीपीएससी में बैठाएंगे और सब बढ़िया आएगा योगा होगा, किसी को कास्ट सर्टिफिकेट ये सब नहीं मिलता है, ये सब जितना से धोखे की टट्टी है बहुत देखा आपने। तो अब ये पढ़ावे कैसे, पहले पढ़ाए कैसे, जब आपने पढ़ाना शुरू किया दंगों के बाद में तो जगह कहाँ थी मेरे पास में 300 स्क्वायर फीट का घर, चल हमने कहा घर में शुरू कर दिया पढ़ाना, मेरे घर में पढ़ाना शुरू कर दिया आपने जो स्टूडेंट थे हमारे उनको, मेरे घर से पढ़ाते पढ़ाते क्या हुआ साहब बाजू का कमरा लिया, उसके बाद में क्या हुआ इस तरह बढ़ने लगा, बढ़ते 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 जब पहला बैच हमारा था, पहले बैच की जब तीन लड़कियाँ पहला बैच के तीन लड़कियाँ हमारे बहुत फ्लाइंग कलर से पास हुई एसएससी पास हो गई, तो अब उसके बाद में और भी बढ़ने लगे, तो टीचर कहाँ से मिलेंगी, उर्दू मीडियम में अलजबरा पढ़ाने वाली टीचर कहाँ मिलेंगी, उर्दू मीडियम में साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी पढ़ाने के टीचर कहाँ मिलेंगे, आपको ट्रेन टीचर होना चाहिए सर, बड़ा यहाँ पर लंबी लंबी बात हो रही है, लेकिन जो रियल प्रॉब्लम है जो ज़मीन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है उसको देखिए आप, मराठी कौन पढ़ाएगा उसको बच्चे को, स्कूलों में पढ़ाई का जो है स्टैंडर्ड ठीक नहीं है सबको पता है, स्कूल जो है अभी जो है बच्चे को जो है कोचिंग होनी चाहिए, ये ऐसा हो गया अनफॉर्चुनेटली ऐसा, और कोचिंग करनी या घर प्लीज़ सुना जाए प्लीज़ सुना जाए प्लीज़ रानू प्लीज़ सुना जाए प्लीज़। अब ये जगह कहाँ पढ़ने के लिए जगह कहाँ से मिले, अब हम जगह कहाँ से, मेरे पास बढ़ रहे बच्चे बढ़ रहे सब, तो हमने क्या किया साहब जो हमारे टीचर थे स्कूल एट डोर स्टेप का थ्योरी अपनाया हमने, स्कूल एट डोर स्टेप जो टीचर है, टीचर जो है जो पढ़ाई की टीचर, और लड़कियों को निकलने देते नहीं घर से वगैरह वगैरह उतर, वो भी सच है, इसलिए हमारी लड़कियाँ कहाँ पढ़ेंगी, जो टीचर पढ़ाएगी वो अपने घर में ही पढ़ाएगी, जो टीचर पढ़ाएगी अपने घर में पढ़ाएगी, घर क्या है 10x10 का कमरा, खाना पकड़ा वहीं पर, सोना धोना सब वहीं पर, एक कॉर्नर में 2 घंटे के लिए घर में कहा खाना देर से पकेगा भैया पढ़ाओ यहीं पर, ऐसा कर करके मेरे घरों में कोचिंग क्लास शुरू हो गया। अब पढ़ाएगा कौन, कौन पढ़ाएगा, जो लड़कियाँ अब एसएससी पास की, ऐसे बहुत लड़कियाँ निकली हमारे पढ़ाया सबको हमने, तो उन लोगों को ट्रेन किया हमने फिजिक्स में केमिस्ट्री माइसर साइंस ग्रेजुएट भाई खुद पढ़ाया मैंने बैठा करके उन लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी ये सब किताब लाई ये लाई वो लाई। अब जो किताबें जो सिलेबस आप देखेंगे अगर आप किताबें देखेंगे जो साइंस और केमिस्ट्री और बॉटनी जूलॉजी की वो उर्दू भी नहीं है, वो फारसी भी नहीं है, वो अरबी भी नहीं है, वो टर्की है शायद, अरे बाप रे बाप, इतनी भयंकर भयंकर टर्मिनोलॉजी है कि बता नहीं सकते आपको, भयंकर भयंकर टर्मिनोलॉजी, प्लीज़ आप जाके यहाँ से ज़रूर देखिएगा फिजिक्स का केमिस्ट्री का लाइट जो है जो देखिएगा ज़रूर देखिएगा, इस तरह कौन लोग बनाते हैं यार अल्लाह, पता चला है हमने कहा ये कौन बनाता है, तो मान लो कि हैदराबाद निज़ाम के टाइम का जो है था ना वो बाप रे बाप, अब सोचिए आप साहब ये कौम बताइए किधर है, क्या पढ़ रहे हैं लोग, आप लोग हकीकत जानिए, आप लोग हकीकत जानिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हैदराबाद निज़ाम के टाइम का सिलेबस जो है वो सब टर्मिनोलॉजी जो है वो सब यूज़ कर रहे हैं लोग, बाकी उर्दू में मिलता नहीं, अरे भाई लाइट को लाइट लिखो ना, हीट को हीट लिखो ना, नहीं लाइट को लिख रहे हैं क्या, रोशनी में नहीं लिखते कुछ और एक वर्ड बोल रहे हैं, हाँ रोशनी में नहीं, लाइट को रोशनी लिखना चाहिए ना, नहीं एक और लफ्ज़ है नूर, नूर और नूर का मतलब क्या, खुदा का नूर समझते ना, मतलब वो या अल्लाह एक देखो आपसे
हमने उनको एक से पूछा जो सिलेबस लिखते हैं, हमने कहा भैया ये नूर क्या लिखा यार, रोशनी तो लिखो। बोले नहीं नूर मतलब खुदा का नूर होता है ना। जो टेक्स्ट बुक कमेटी में मियाँ भाई थे, एक बार फोन वोन किया, हमने पता लगा कि अरे यार तुम लोग ठीक से करो, इस तरह के ये तो हरकतें कर रहे हैं साहब। बच्चा घर में उनकी क्या जबान बोल रहे हैं बेचारे, घरों में क्या जबान बोल रहे हैं, मोहल्ले में क्या जबान बोलते हैं, टांगता है मांगता है बंकस करता है ये लोग, ये भाषा वाले वो नूर और इनकास और अजीब अजीब लफ्ज़ है, टर्मिनोलॉजी है। तो एनीवेज आप बड़ी मुश्किल से रटा पुटा के कैसे कैसे करके अपना पास कराओ। मेरा क्या मिनिमम पास करना चाहिए बच्चा, पास करने के लिए क्या करना चाहिए, अलजबरा फैक्टर, अलजबरा में क्या इक्वेशन है फैक्टर है, चलिए 10 बार अलजबरा का एक सब बनाएगा बच्चा, 10 बार 11वीं बार खुद उसको आ जाएगा। तो 10 बार बनाने के लिए उसको नोटबुक चाहिए साहब, उसको पेंसिल चाहिए साहब, बैठने के लिए जगह चाहिए, ये आप दे दीजिए। कहाँ से देंगे आप, हमने कैसे मुहैया किया बताया, कुछ तो मेरा घर कुछ उनके घर, इस तरह से करके किया। अब पैसे ही साहब, उनको नोटबुक चाहिए, किताब चाहिए, कहीं कहीं फीस चाहिए, कहीं ये चाहिए कहीं वो चाहिए, कौन देगा साहब पैसा। हम तो साहब ओपनली से अभी भी मैं कह रहा हूँ, मैं भीख मांगता हूँ अपने बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, जानती है यहाँ पे जानती है, हमने नूरजहाँ से पैसे लिए, हमने सुदेन से पैसे लिए दिए लोगों ने, इस तरह दोस्तों से पैसे लिए हमने, वो दोस्तों दिए हमको किसे दिए। और ज़्यादातर देखिएगा यहाँ ज़्यादातर मुस्लिम से हम बहुत प्राउड हम कह रहे हैं, हमको 90% जो पैसे देते हैं हमारे हिंदू दोस्त देते हैं, घर पे आके देते हैं हिंदू दोस्त जो हमारे हैं, नॉन मुस्लिम ज़्यादातर वही लोग देते हैं। और जो मुसलमान दोस्त हमारे यहाँ पड़ोसी है, करोड़पति है, अरबपति है, कहते हैं अच्छा काम कर रहा है, क्या क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं, सवाब हिजरा क्या, हाँ नेक काम कर रहा है, आपने जन्नत बना रहे हैं, आप जन्नत बना रहे हैं, आपको खुदा अभी, हाँ ये कहा जाता है सर। तो अभी ये जब फिरोज दस जनवरी 2010 में जब नूरजहाँ का फ़ोन आया ऐसा स्कॉलरशिप का, उसके हम मिल रहे हैं और ये भी हैं आपके जावेद साहब भी हैं, हम लोग स्कॉलरशिप बच्चों के लिए मीटिंग कर रहे हैं। चलिए साहब बहुत खुश हुआ, हमने भी अपने लड़के लड़कियों के लिए 25 फॉर्म भरे और 25 फॉर्म भरने के लिए बैंक वाले तो बहुत खुश हो गए, क्योंकि 25 नए खाते खुल गए बैंकों में, 500 रुपये के उनको कस्टमर मिल गए, बहुत खुश हो गए। और उसके बाद में अभी 10 जनवरी को हमने अपने डायरी में लिखा ये मिलने वाला पैसा नहीं है, अपनी डायरी में लिखा। अब हमने कहा भी दूरजा से कहा, जैसा आपसे भी कहा हमने, भैया ये मिलेगा मत करो, तो आज इससे मीटिंग है, कल उससे मीटिंग है, कल फलाना से ढमकाने से, अरे यार मत, पैसा है कहाँ से। हमने पैसा चलो जुबा के दिन जो है डबरी लेके खड़े रह गए मस्जिद के सामने, दे भाई पैसा दे, जब अरे वो पैसा लेंगे हम मांगेंगे कौन से, और नहीं होगा तो पैसा और लोग घर में घुस के मांगेंगे पैसा, ये करना पड़ेगा आपको, फंड आपको अपना रेस करना पड़ेगा उसके लिए। किसी ने कहा भी अपना, आपने कहा पड़ेगा साहब आपका फंड हमको रेस करना पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो, ये पैसा कोई देगा नहीं। और सोच रहे नहीं ये बहुत लेट हो गया, अभी यहाँ से आप लोग जाइए, बहुत बोलते बहुत आप लोग, करते कुछ नहीं, माफ कीजिएगा, हमने देखा आप यहाँ से जाइए और 10-10 बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा लीजिए आप, खासतौर से मिडिल क्लास मध्यम वर्ग जो हमारा है, बहुत बहुत ही एज यूजुअल जो बहुत हिपोक्रेट वर्ग है, खाली बोलेगा लंबा लंबा, सच्चर कमेटी सच्चर जो नंबर करने तो यार उनका काम वो करे, अपना काम हम करें, हम अपना काम नहीं कर रहे हैं, हम उनके काम के क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हाउ बैड इट इज। आप अपना काम कीजिए, यहाँ से निकलिए तो एक एजेंडा बनाइए पढ़ाने का, चलिए मत करते। थैंक यू। वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन लेडीज विंग की मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की मैं एक वाइस प्रेसिडेंट रही हूँ, कोलसा मोहल्ला हलाई मेमन जमात कोलसा मोहल्ला हलाई मेमन जमात की लेडीज विंग की कन्वीनर हूँ। मैं आपसे बहुत मुत्तफिक हूँ फरजाना इकबाल साहिबा कि उन्होंने जो कुछ कहा मैं बिल्कुल बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मैं सर्टेन बातें कहना चाहूँगी, मुझे आपकी तरह एंटरटेन करने तो नहीं आता है, ज़रा लाइट मोमेंट रहा, लेकिन सर्टेन संजीदगी से बात करना चाहती हूँ और चंद अल्फाज में कहूँगी मैं, क्योंकि हाँ आपको भी मालूम होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है हमारी तरफ से, किस तरह आप हमारी मदद कर सकते हैं, किस तरह आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं। सिर्फ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक दो मिसालें दूँगी। चंद साल पहले मैंने ये संजय गांधी निराधार योजना के लिए काम शुरू किया, वहाँ पर मेरी तो दाल ही नहीं गली, कोई दाद ही नहीं दिया। फिर मैंने एक मराठी स्पीकिंग लेडी को एम्प्लॉय किया, फॉर्म वॉर्म भरे गए, वो समहा उसने मैनेज किया। और मैं शिकायत नहीं करूँगी, अल्लाह का शुक्र है कि 5 लड़कियों को, औरतों को
वो गवर्नमेंट, ये संजय गांधी निराधार के योजना के तहत फंड्स मिलना शुरू हुआ है, इनकम. ओके, दैट इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट. अभी एक और जो बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि सना ने बताया कॉलेज के लिए ऐसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अनाउंस की गई, उसमें बाकायदा वेबसाइट पे हमने फॉर्म निकाले. हमने हमारे अपने हल्के जो हैं उन एरिया से भी फॉर्म भरे, और गोवंडी से एक लड़की लेडीज़ ने वो हमको सारे दिए. अब जो लेडीज़ आती थी तो उसमें ये सर्टिफिकेट चाहिए, ये वो BPL सर्टिफिकेट चाहिए, एज सर्टिफिकेट चाहिए, रेसिडेंशियल, तो दो तीन धक्के खाते थे. तो ज़्यादा बड़े पैमाने पर नहीं, तो थोड़ी लड़कियों को हम ऐड करते थे, औरतों को उनको कन्वीनियंस वगैरह देते थे. एनीवे, पूरा पाइल, द होल पाइल वी सबमिटेड, यू नो, इन सचिवालय. इवन स्कूल्स वर नॉट कोऑपरेटिव इन द सेंस के वी वर आस्ट इन द पोस्टस्क्रिप्ट नोट के यू आर सपोज टू सबमिट द फॉर्म थ्रू द स्कूल्स. स्कूल्स वुड नॉट एंटरटेन अस, बोले हमारे को कोई दाद देता ही नहीं है. सो आई अप्रोच डायरेक्टली टू द एजुकेशन ऑफिस. एजुकेशन ऑफिस में सर्टेन फॉर्म्स हमने सबमिट तो किए, देर वॉज नो रिप्लाई. देन दोज वीमेन फ्रॉम गोवंडी एरिया, दे वुड फोन एंड हमको गालियाँ देना शुरू किए, हमको इतने खर्चे कराए, कुछ हमारा किया नहीं है, ऑल दैट. ये सर्टेन जो रियलिटीज़ हैं ना, मैं शॉर्ट में बताना चाहती हूँ. एक ओल्ड एज होम शुरू करना चाहा मैंने, बहुत सारे धक्के खाए, कहाँ 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 गए. अभी हमारे अपने मोहल्ले के, हमारी जमात के, कम्युनिटी के सरकर्दा लोग हैं, उन्होंने ही बिल्कुल डिस्करेज किया. तो जो चंद लोग आगे आके बढ़ के हेल्प करना चाहते थे, वो भी पीछे हट गए. ये बताना क्यों ज़रूरी समझती हूँ मैं, क्योंकि हम, हमारे यहाँ लड़कियाँ, औरतें कितनी भी एजुकेटेड हो जाएं, सर्विस भी करने लगे, हमारी जैसी लेडीज़ हम सर्विस भी करते थे, सब कुछ था, लेकिन वो जो अथॉरिटी या जो इंडिपेंडेंस है वो नहीं मिलती. बिल्कुल, डू यू एग्री विथ मी? हाँ, हमारे अपनी जो ग्रुप जो बना है, इसमें सब एजुकेटेड लेडीज़ भी हैं, अच्छी वो घराने से भी हैं, लेकिन जब ऐसा कोई एक्टिविस्ट जैसा काम आता है जिसमें हमको आगे बढ़ के बोलना है, कुछ करना है, कम्युनिटी के लिए करना है, हमको घर में से मना कर दिया गया, आप नहीं जाएंगे. अभी आप मुझे पूछिए मैं क्यों कैसे आऊँ और क्यों कुछ बोलने के लिए, क्योंकि मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ, घर में कोई आदमी नहीं है तो मुझे मना करता. तो मतलब मेरा कहने का ये है कि सर्टेन काम जो हम शुरू करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, तो लाइक माइंडेड पीपल हैं या सर्टेन एनजीओज, वो पर्टिकुलर फील्ड में हम काम करते हैं, हम क्यों ना आपस में इंटरेक्ट करें. हो सकता है अकेला चना क्या भाड़ फूकेगा, लेकिन सर्टेन कम्युनिटी जो ग्रुप्स हैं सिमिलर काम करते हैं, 17 चीज़ों में डैबल करने के बजाय जो पर्टिकुलर काम करते हैं, हम आपस में मिलें. और आप लोग जो जो यहाँ मौजूद नहीं है तो किसी का रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं, और फिर हम क्यों नो उस काम को आगे बढ़ाएं. वॉर फुटिंग के तौर पर शिकायतें करना बेकार है, और वो हम ये भी लेके बैठना बेकार है कि हमारे यहाँ के आदमी काम नहीं करते, पर हम तो कुछ कर सकते हैं. तो हम लाइक माइंडेड पीपल क्यों आगे नहीं बढ़े, और क्यों हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करें. बस मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सबसे. थैंक यू वेरी मच.